हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये टॉपिक हम देख रहे हैं। और हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, उसके कंसेप्ट को स्टडी किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के, और क्वेश्चन के थ्रू स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो जो भी हमने प्रीवियस सेशंस में कॉन्सेप्ट्स देखे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, हम वन बाय वन क्वेश्चन के बीच में जब क्वेश्चन आएगा उसका आगे, है ना, मैं कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा आपको, आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कह रहे क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स डिफर बाय 20 इयर्स। इफ 5 इयर्स अगो द एल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन, देयर प्रेजेंट एजेस आर रिस्पेक्टिवली। देखो, डिफर बाय 20 इयर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो दिया है यहाँ पे, है ना, डिफर बाय 20 इयर्स, ये जो है ना, इसका मतलब वो ना डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं उनके एजेस के। तो जो भी ब्रदर है, मतलब लाइक यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर जो है, इनके एज में डिफरेंस जो है वो 20 साल का है सबका है। एंड 5 इयर्स अगो द एल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन, ऐसा कहा है। मतलब जो भी छोटा भाई है वो बड़े भाई से 20 साल छोटा है, या फिर अलग कंटेक्स में हम कह सकते हैं कि उनके एज में गैप जो है वो 20 साल का है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो जैसे कि दो ब्रदर में यहाँ पे यंगर वन लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है ओल्डर वन लिखता हूँ, ठीक है। अब सोचो कि यंगर का एज अगर एक्स है तो ओल्डर वन का एज कितना हो जाएगा, x+20 हो जाएगा, सही है, 20 साल का गैप है। और ये जो है दोनों एजेस आप अगर प्रेजेंट के पकड़ो, क्योंकि ये जो 20 साल का गैप है ना, ये आज का बताया है उन्होंने, ठीक है ना। सो ये प्रेजेंट कंडीशन है, लेकिन 5 इयर्स है वो, मतलब 5 साल पहले ना इनके एजेस में कंडीशन कुछ अलग ही थी, ठीक है। ये जो कंपैरिजन दिया है लाइक 5 टाइम्स वाला, वो 5 साल पहले वाला है। सो प्रेजेंट में अगर एक्स और x+20 होता है, सो 5 इयर्स एगो जो है इनके एजेस, यंगर वन 5 साल से भी कम होगा, मतलब x-5 होगा, और ये जो एल्डर वन है वो भी, उसका एज भी 5 साल से कम होगा। सो मतलब x+20-5 कितना होता है इसका, x+15 होता है, सही है। और ये कंडीशन कैसे आएगी, हमें जो गिवन है 5 टाइम्स वाली, वो आप ऐसे लिख सकते हो कि यंगर वन का एज जो है वो मतलब ओल्डर वन का जो एज है वो 5 टाइम्स है आपके यंगर वन से, ठीक है। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अभी। सो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी 5x-25 इज इक्वल टू x+15, सही है। अब यहाँ पे 5x-x आ जाएगा, ये सही है, एंड 25+15 जो है दूसरे साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, 40। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 10 आएगी। अभी x आपको 20 मिल गया, इसका मतलब यू कैन कैलकुलेट व्हाट एवर दे आस्क फॉर। उन्होंने कहा है देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स आर रिस्पेक्टिवली। सो प्रेजेंट एजेस कहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे देखो, ये x मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली ये 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और जो ओल्डर है उसका एज कितना हो जाएगा, 10+20, मतलब ये आ जाएगा 30 साल का। आपका आंसर है 10 एंड 30, समझ रहे हो आप। सो ये आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 10 और 30, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उनका एजेस पूछा है, सो यंगर बन ओल्डर बन सिक्वेंस यहाँ पे एज सच आप नहीं कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, 30 एंड 10 जो है जिस ऑप्शन में है, ठीक है।
अगर स्पेसिफिकली ऑप्शन में कुछ सीक्वेंस मेंशन करते हैं तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस में आंसर लिखना चाहिए, ठीक है? ओके फाइन। सो हमेशा याद रखो आपके क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया जाता है, जैसे डिफरेंस दिया है, कभी कभी वो कह सकते हैं कि यंगर और ओल्डर ब्रदर का एडिशन कुछ 50 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, ये पहले टाइप में होगा। सेकंड टाइप में जो डिफरेंस अभी हमने सॉल्व किया है उसी तरह से क्वेश्चन हो, बट यहाँ पे अलग अलग वर्डिंग यूज हो सकती है कि वो यूज कर सकते हैं यंगर दैन, ठीक है ना, वो यूज कर सकते हैं ओल्डर दैन, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं मोर दैन, लेस दैन, या फिर जिस तरह से यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिफर, तो डिफर तो मतलब डिफरेंस आपको पता ही चल जाएगा। सो ये जो पांच अलग अलग एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, यंगर, ओल्डर, मोर दैन, लेस दैन, डिफर, इस तरह से भी अगर यहाँ पे डिफर की जगह पे कोई आपको वर्ड्स नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी वो तीसरे कंडीशन में आपको एवरेज भी कह दे सकते हैं ना कि लाइक ए एंड बी, यंगर और ओल्डर ब्रदर जो है उनके एज का एवरेज इतना इतना है। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आप एक्स के फॉर्मेट में कंसिडर कर रहे हो या फिर रेशियो के फॉर्मेट में जो एजेस कंसिडर करोगे, यू हैव टू देन कंपेयर इट विथ ओरिजिनल जो भी वैल्यू दिया होगा एडिशन का, डिफरेंस का या फिर एवरेज का, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर थ्री सिस्टर्स, इफ एज ऑफ कविता इज 25 इयर्स एंड ट्वाइस द एज ऑफ गीता एंड हर सिस्टर सीता इज 62। मतलब देखो गीता का ट्वाइस और सीता का एज अगर हम ऐड करते हैं तो वो 62 बनता है। देन ट्वाइस द एज ऑफ सीता, सीता का डबल ट्वाइस करके गीता के एज में ऐड करते हो तो 64 बनता है। देन व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन, एक बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लिखना है और उसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देता हूं टू सॉल्व, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है, ठीक है? ट्राई विद इट। ओके चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना क्या कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस है, सबसे पहले लाइक यहाँ से स्टार्ट करके ट्वाइस द एज ऑफ गीता एंड हर सिस्टर सीता, मतलब अगर मैं गीता को कविता को के से रिप्रेजेंट करूँ, गीता को जी से रिप्रेजेंट करूँ और सीता को एस से रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं क्वेश्चन पहले बना लेता लाइक गीता का ट्वाइस एज, अगर उसमें आप सीता का एज ऐड करते हो तो उनका एडिशन 62 है ऐसा कहा है आपको, और
ट्वाइस ऑफ सीता का एज प्लस अगर गीता का एज लिखा जाता है, ठीक है, तो 64 उसका एडिशन होता है। ये इक्वेशंस बने हैं आपके, समझ रहे हो आप। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपके बने हैं, आपको जस्ट ये दो इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जिस तरह से आप सॉल्व करते हो ना, उस तरह से भी आप इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यूज, है ना, एक इक्वेशन की कोई वैल्यू होगी वो आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर देखो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले इक्वेशन को मैं ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोचो। ये पहला जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, 2 to the 4 ऑफ गीता ट्वाइस ऑफ सीता, ठीक है ना। देन 62 को भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 124। और ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे 2s लिख देता हूँ, 2s के नीचे प्लस जो है गीता का एज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू 64। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा आपको, है ना। और यहाँ पे जो है वो मिल जाता है थ्राइस ऑफ गीता, ये तो 2s 2s टू कैंसिल हो जाएगा सीधा, राइट, लाइक थ्राइस ऑफ गीता, है ना। और 124 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 64, तो ये 60 आ जाता है। मतलब आपकी जो गीता का एज है वो गीता का एज आपको मिल जाता है 20 ईयर्स, ठीक है। तो गीता का एज आपको मिल गया है 20 ईयर्स, और कविता का जो है वो 25 ईयर्स आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो गीता का मुझे यहाँ पे 20 मिल गया। आपको क्या करना है, ये गीता का एज 20 ईयर्स, आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी अगर आप पुट करते हो तो आपको सीता का एज 22 मिलता है, समझ रहे हो। और उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा उम्र में कौन है इसमें, तो यंगेस्ट वन का एज जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि 25, 20 एंड 22, मतलब गीता जो है वो सबसे यंगेस्ट वन है यहाँ पे, ठीक है ना। यंगेस्ट वन है मतलब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 ईयर्स, समझ रहे हो आप। तो 20 साल जो है गीता का एज हो जाएगा, है ना, और वही सबसे यंगेस्ट है। तो आपको कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि यंगेस्ट वन जो है उसका नाम क्या है, हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल ऑल ऑफ द पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। ओल्डेस्ट वन कौन है, ठीक है, हु इज द सेकंड यंगेस्ट, हु इज द सेकंड ओल्डेस्ट, है ना, ऐसे कुछ अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं। तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, जो आपका ये बाकी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से, तो आपने देखा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन ना थोड़े थोड़े अलग लॉजिक पे बेस्ड थे, ठीक है। हमने प्रीवियस जो सेशंस में देखे थे, लाइक रेशियो से सॉल्व करना, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, अलग अलग वे से जो सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, उनके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है। सो ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ये नोटिस करिए, और आपके क्वेश्चन में किस तरह से दिए जाते हैं उनको जरा पहचानिए, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The present age of Romila is 1/4 that of her father. Romila का जो age है, it is 1/4 of her father. ठीक है? After 6 years, the father's age will be twice the age of Kapil. Okay, so Romila का father के साथ comparison किया है, then father का age फिर से Kapil के साथ compare किया है. If Kapil celebrated his 5th birthday 8 years ago, what is Romila's present age? ऐसा कहा इन्होंने, ठीक है? So, जो भी सिक्वेंस वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, ये जो कंपैरिजन दिया है आपको ना एक कंसिडर करना है कि लाइक कपिल का एज अगर आप कंसिडर करते हो कि उसने 5वां बर्थडे 8 साल पहले सेलिब्रेट किया होगा, अब कितना है, बाद में कितना, ये सारी चीज, और 6 years आफ्टर जो है वो चेंजेस नोटिस करके आपको इक्वेशंस बनाने, ठीक है। सो प्राइवेट इट, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, देन विल मूव टू द सॉल्यूशन, ठीक है।
चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको क्या कहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, जैसे कि रोमिला का फादर के साथ कंपैरिजन किया है और उसके फादर का कपिल नाम की पर्सन के साथ जो कंपैरिजन किया है, ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मतलब लाइक ये जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करके फिर आप थोड़ा सा रिलेशन उल्टा यहाँ पे एक्सप्लेन किया करो। लाइक सबसे पहले ना हम कपिल का एज देखते हैं कि कितना आएगा। देखो तो कपिल जो है उसने क्या किया कि सेलिब्रेटेड हिज फिफ्थ बर्थडे, पांचवा बर्थडे मनाया उसने। पांचवा बर्थडे मतलब वो 5 साल का होगा, ठीक है ना। सो 5 उसका एज होगा, लेकिन ये कब था, लाइक 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले वो 5 साल का था। तो आज उसका एज कितना होगा, ऑब्वियसली हमें 8 साल उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं अगर उसमें 8 ईयर्स ऐड करता हूँ तो आज जो है कपिल का एज कितना होगा, 13 ईयर्स होगा, 13 साल का होगा ये कपिल, ठीक है। फिर आपको क्या कहा है, फिर अभी हम उल्टा देखते हैं कि कपिल का हमें आज का एज मिल गया प्रेजेंट एज की 13 साल का है। देखो फादर के साथ कंपेरिजन दिया है कि फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल, लेकिन ये कंडीशन कब की है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद ये कंडीशन होने वाली है ना। सो हम क्या करते हैं, 6 ईयर्स आफ्टर जो है कपिल का एज कंसिडर करते हैं। लाइक कपिल जो है, ठीक है, यहाँ पे उसका 6 साल बाद वाला एज कंसिडर करते हैं। आज वो अगर 13 साल का है तो 6 साल बाद उसका एज कितना होगा, ऑब्वियसली 13 प्लस 6 करना पड़ेगा हमें, 19 ईयर्स उसका एज होगा 6 साल बाद, ठीक है। तो 6 साल बाद ही आप कह सकते हो कि आप उसके फादर का जो है, जो भी फादर हमारे क्वेश्चन में दिए हैं, उनका एज डबल आएगा, राइट। कपिल के एज से डबल मतलब 2 × 19 करोगे तो 38 ईयर्स इतना एज जो है कपिल के फादर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर फादर 6 साल पहले 38 ईयर्स के थे तो हम प्रेजेंट एज देखेंगे फादर का, है ना। सो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, आपको 6 साल पीछे आना पड़ेगा, मतलब 38 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट 32 ईयर्स एज फादर्स एज। तो फादर आज जो है वो 32 साल के। और फिर आपको क्या कहा है कि रोमिला का एज जो है वो 1/4 है फादर के, ठीक है। सो फिर रोमिला जो है उसका आज का एज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1/4 है, मतलब 32 का 1/4 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 8 ईयर्स आ जाएगा, समझ रहे हो। तो रोमिला का प्रेजेंट एज ही तो क्या है उन्होंने, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो रोमिलाज एज इज 8 ईयर्स, ठीक है। समझ में आई बात आपको कि किस तरह से कैलकुलेशन किया है। देखो कंडीशंस कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में आपको कंडीशंस दी है थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके कंडीशंस अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा उसको। लाइक पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये डिसाइड करिए कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये होता है कि लाइक फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के साथ कंपैरिजन, सेकंड का थर्ड के साथ, ये सीक्वेंस दिया जाता है, लेकिन कंसिडरेशन करते वक्त आपको थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर फादर के एज के बारे में वो रियल वैल्यू देते हैं, जैसे कपिल का दिया है कि कपिल सेलिब्रेटेड 8 फिफ्थ बर्थडे 8 ईयर्स अगो, ऐसा अगर फादर के बारे में कहते तो आपको सबसे पहले फादर का एज कंसिडर करना पड़ता, देन रोमिला और कपिल, आइदर जो भी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। फिर वो बाकी आगे जो भी पूछते हैं वो आराम से कैलकुलेट हो जाता है। सिर्फ आपको फर्स्ट स्पॉट में कहाँ पे स्ट्राइक करना है ना, ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत करनी है ना। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये पूरा पिक्चर बना लेना है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, किस तरह से हमें इक्वेशन बनाने हैं या कंसिडर करना है, या डायरेक्ट आंसर आएगा या फिर हम कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं तो ऑप्शन में से कोई वैल्यू पुट करके वहां पे आप सॉल्व कर पाते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन में से अगर आप पिक करते हो तो आपको 4 ऑप्शंस है यहाँ पे नियर अबाउट, 4 वैल्यूज है जिनको आपको चेक करना होगा विद सर्टेन इक्वेशन, तो ये आपको डिसाइड करना है उस वक्त, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के थ्रू ही होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप के वर्ड्स है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 25 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आर। देखो मोर देन कहा है ना, मोर देन मतलब मैंने कहा था कि ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इफ एट प्रेजेंट क्यू इज 5 ईयर्स ओल्डर देन आर, व्हाट इज पीज प्रेजेंट एज। एक सिंपल सिंपल आपका जो मैथमेटिकल इक्वेशन का लॉजिक्स होता है बस उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन विल मूव टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सो जल्दी से ट्राई करिए, मुझे आंसर बताइए, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं।
ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो आपके पास यहाँ पे पी क्यू और आर जो है ये तीन लोग हैं और इनमें कंपैरिजन दिया है. देखो जिस तरह से दिया है आप उस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि ये टोटल जो है पी और क्यू की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पी और क्यू की टोटल ले लेते हैं, ठीक है. और वो 25 मोर है किससे, आर से. सो मतलब मैं अगर आर में 25 ऐड कर दूं तो ये पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा. देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया जो आपको सेंटेंस में दिया है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख दिया है उसको, ठीक है ना. सो आपको ये इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, पी प्लस क्यू दिया है, ठीक है. और वो आर के बराबर कब हो जाएगा, जब आर के पास वो और जो एक्स्ट्रा 25 है वो भी अगर हो जाते हैं तो वो पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है. इफ एट प्रेजेंट क्यू इज 5 ईयर्स ओल्डर देन आर, या आपकी सेकंड कंडीशन है, प्रेजेंट में क्यू जो है वो 5 ईयर्स ओल्डर है, मतलब अगर मैं क्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो वो 5 ईयर्स ओल्डर देन, ओल्डर देन मैंने कहा कि 5 ईयर्स का ही क्या था, मतलब 5 साल से बड़ा है क्यू इससे आर से. तो आर में अगर आप 5 ऐड करते हो तो क्यू के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो आप. सो यहाँ पे ये आपका सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में दिया है. आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो क्यू की वैल्यू है, मतलब सेकंड इक्वेशन जो है, ये पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में. तो देखो आगे क्या हो जाता है, अगर ये क्यू को मैं रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे 5 + r लिख देता हूँ क्यू की जगह पे, एंड इट शुड बी इक्वल टू r प्लस 25 अगर लिख देता हूँ, तो मुझे देखो क्या मिलता है, ठीक है. देखो ये r अगर आप एक साइड लेके आते हो, इसको मैं अगर एडजस्ट करता हूँ ना, तो लाइक यहाँ पे p, ये 5 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, r को इस साइड लेके आता हूँ, तब मेरा काम बनेगा. सो यहाँ पे पहला तो r था, ये दूसरा r जो है राइट हैंड साइड वाला, वो अगर इस साइड आता है तो वो -r बन जाएगा, ठीक है. दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड में तो 25 है, ये -5 हो जाएगा, 5 दूसरे साइड जाके ये RR हो जाता है कैंसिल, एंड आपकी P की वैल्यू जो है आपको मिलती है 20 ईयर्स, है ना. उन्होंने क्या पूछा है, P का परसेंटेज पूछा है, मतलब वो आ जाएगा आपका 20 ईयर्स. सो यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड इनएडिक्वेट है, या फिर डेटा इज नॉट सफिशियंट वाला जो वे है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन कैलकुलेट P's वैल्यू. तो देखो अगर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करो वगैरह वगैरह, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में कि जो आपको दी होती है वैल्यूज उससे आप किसी एक का एज कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, और बाकियों का एज कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स के जो कैलकुलेशन होते हैं, लाइक अल्जेब्रिक इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन है ना, उसका भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वहां पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह वहां पे सॉल्व करना पड़ा था, और यहाँ पे तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ा किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरे में, तो ये एक्चुअली इक्वेशन का ही पार्ट है. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है ना. चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सोनिया. After 12 years, ज्योति will be 3 times as old as Sonia. What is the present age of Sonia? देखो ये जो comparison दिया है दोनों line में, you can consider their ratio. Ratio consider करके आप ये आराम से solve कर सकते हैं, ठीक है? So इस तरह का question हम already कर चुके हैं previous sessions, तो इसलिए मैं आपको directly time देता हूँ solve करने के लिए कुछ, है ना? और आपको जल्दी से इसको solve करना है, मुझे answer बताना है. So try with it, then we'll go for the solution.
ओके चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे जो आपको दो अलग अलग नाम दिए हैं, आई फर्स्ट राइट दोज नेम्स, ठीक है ना। सबसे पहला नाम है यहाँ पे ज्योति एंड देन सोनिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 टाइम्स एज ऑफ सोनिया है ज्योति का। सोनिया अगर 1 है तो ज्योतिया ज्योति का जो एज है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स ज्योति विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनिया। तो सोनिया अगर 1 होती है तो ज्योति का एज 3 हो जाएगा। देखो ये 2 रेशियोज मिले मुझे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनका लूंगा डिफरेंस। लाइक सोनिया का जो 1 1 है कॉलम में, इसका डिफरेंस 0 मिलता है मुझे, और ज्योति का जो 4 और 3 है उसका डिफरेंस मुझे 1 मिलता है। बट यहाँ पे ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो मुझे एक स्टेप यहाँ पे और एक्स्ट्रा से परफॉर्म करनी पड़ेगी। और कौन सी है वो स्टेप, आपको क्या करना है, 3 और 1 का डिफरेंस लेना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर बता रहा हूँ। 3 एंड 1 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो उस 2 से जो है ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करो, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। तो उस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4 2 8 यहाँ पे आ जाता है, एंड 3 3 9 यहाँ पे आ जाता है। देखो 2 1 2 हो जाता है सोनिया की साइड में, और 3 1 3 हो जाता है। अब अगर आप डिफरेंस लेके देखो, सो 8 एंड 9 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब ये डिफरेंस सेम हो गया। देखो जब रेशियोज आपके पास होते हैं और उनका डिफरेंस कॉलम वाइज जो आप लेते हो वो अगर सेम होता है तो आपकी ये स्टेप सेव हो जाएगी, मतलब ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास ये डिफरेंस सेम नहीं आता है तो जो स्टेप मैंने अभी परफॉर्म की है वो आपको वहां पे ट्राई करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी, देखो ये जो 9 है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका यहाँ पे 9 है और ये जो 3 है, कैसे आया? सो 3 और 1 का सबसे पहले डिफरेंस लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 और 1 को, और 4 और 1 का डिफरेंस लेके 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो आप? सो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 है ना, ये सेम है इस 1 से, सही है ना। और अगर ये सेम है तो आपका काम वहां पे बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेम आने के बाद आपको मेन स्टेप करनी है। देखो पहला जो रेशियो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ये कब का रेशियो है, ये प्रेजेंट का है, समझ रहे हो आप, है ना। क्योंकि दिया है ना प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति 4 टाइम्स सोनिया। और ये जो सेकंड वाला जो हमने लिखा था यहाँ पे रेशियो 3:1, और जिसको हमने बाद में 9:3 कर दिया, ये कब का है, आफ्टर 12 ईयर्स का है, समझ रहे हो, आफ्टर 12 ईयर्स है। अब ये यहाँ पे गैप कितने साल का हुआ है ओरिजिनली, आज से लेकर आगे 12 साल तक गैप कितने का होता है, 12 साल का ही तो होता है, समझ रहे हो आप। मतलब ये देखो ये जो 12 साल का गैप है ये एक्चुअली यही तो है, ठीक है ना। ये जो 12 साल का गैप आप देख रहे हो ये वही है, ये 1 के साथ इसको कंपेयर करना है इस 12 को, तभी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू जो है वो 12 साल है ओरिजिनल इसमें। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 12 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 12 ही आ जाएगा। और इस 12 से जब आप किसी को भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो उसको मल्टीप्लाई करो तो ये बेटेगा रियल आंसर। तो यहाँ पे याद रखो आप ये जो पुराने रेशियोज हैं ये आपको कट करने हैं, ठीक है ना, ये रेशियोज कंसिडर नहीं करने हैं। अभी आपके जो सर्कल में मैंने लिखे हैं ना नए वाले रेशियोज, यही आपकी वैल्यूज है, ठीक है ना। ये जो सर्कल में मैंने वैल्यूज लिखी है ये वाली, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ सोनिया। सोनिया का परसेंटेज कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये 2 दिख रहा है यहाँ पे। सो इस 2 को ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर 24 इयर्स, ठीक है ना। और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, इसी तरह से पूछा जाता है। रेशियोज बदल जाते हैं, उनका रेशियो देने का जो अंदाज है जो ढंग है वो अलग हो जाता है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ शिरीष एंड कुंदर आर इन द रेशियो 5:6 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 7:8। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट वी हैव डन प्रीवियसली। आपको सिर्फ सोचना है कि नंबर्स अलग अलग है, ट्राई करके देखना है कि आपका डिफरेंस वगैरह जो भी आया है वो सेम आया है या क्या आया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। आई विल गिव यू सम टाइम, और आफ्टर सम टाइम विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए क्या है। चलिए
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे दो जो लोग हैं, सबसे पहले मैं नाम मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो पहला पर्सन जो है उसका नाम है शिरीष, दूसरे का नाम है कुंदर। और फर्स्ट रेशियो क्या है, 5:6 है, और सेकंड रेशियो क्या है, 7:8 है। बस इसको आप लिख दो एक दूसरे के नीचे। सबसे पहले चेक करो कि डिफरेंस सेम है या नहीं। देखो ये पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो आप, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। ठीक है, सो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और 6 और 8 का 2 है। सो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया आपको कि अगर डिफरेंस सेम होता है तो आपकी एक स्टेप जो है वो सेव हो जाती है, जो मैं हर बार यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सो दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी सेम है हमारा। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम हमारी नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। ये जो पहला रेशियो है ये कब का है, ये प्रेजेंट का है, और जो दूसरा रेशियो है कब का है, देखो आफ्टर 8 ईयर्स कह रहे हैं, मतलब ये 8 ईयर्स आफ्टर वाला रेशियो है, समझ रहे हो। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे गैप कितने साल का है टोटली, प्रेजेंट से लेकर 8 ईयर्स आफ्टर तक जो है 8 साल का गैप होता है, मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है, 8 ईयर्स है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 आ जाता है। बस ये 4 मिल गया आपको, आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, मतलब शीर्ष और कुंदर के एज में डिफरेंस कितना है। देखो आप 5 और 6 का डिफरेंस ले लो चलेगा, या फिर 7 और 8 का ले लो, वो सेम ही मिलेगा, क्योंकि एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है टाइम के साथ। आपके और आपके पिताजी के एज में जितना बचपन में डिफरेंस था, आज डिफरेंस है, 15 साल बाद डिफरेंस होने वाला, वो सेम ही रहेगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मूविंग विद द सेम रेट, है ना। मतलब जो भी आपका एज बढ़ रहा है, आपके पिताजी का भी सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये डिफरेंस सेम ही रहेगा हमेशा। सो यहाँ पे ये तो डिफरेंस मुझे 1 दिख रहा है 5 और 6 में, इस 1 को आपके 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एक्चुअल आंसर, दैट इज 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years ago, the respective ratio between ages of Sia and her father, that time was 1:7. The difference between the ages of Sia and her father, Sia's father and Sia's is 36 years. What will be the age of Sia 5 years from now? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई विद इट, ठीक है, आराम से आंसर कैलकुलेट कर लोगे आप। सो जरा ट्राई करिए, देखते हैं आप किस तरह से इसका आंसर सॉल्व करते हो, और मुझे बताना है, देन वी गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि सिया और उसके फादर के बीच में कंपैरिजन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि ये 6 साल 6 ईयर्स एगो का जो कंडीशन दिया है, मतलब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 6 ईयर्स एगो देखते हैं। 6 ईयर्स एगो क्या है कि सिया का अगर एज आप एक्स कंसिडर करते हो तो उसके फादर का एज जो है वो क्या कह रहे हैं 7x हो जाएगा, सही है ना, 7x हो जाएगा। एक्स और 7x क्यों कंसिडर किया, 1:7 रेशियो दिया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सिया एंड हर फादर इज 36 ईयर्स, समझ रहे हो आप। देखो ये 36 जो दिया है ये मैंने अभी बताया आपको, डिफरेंस जो है चाहे आप 5 साल बाद 35 साल बाद कभी भी पकड़ो वो डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट अगर मैं 7x और x का डिफरेंस ले लूं तो 6x मिलता है और 6x की वैल्यू 36 दी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बस हो गया मेरा काम। जो भी पूछा होगा यहाँ पे आराम से आप कैलकुलेट कर सकोगे व्हाट विल बी सिया'स एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो सिया का एज देखो 6 ईयर्स पहले कितना था तो 6 साल था, सो प्रेजेंट में उतना उसका एज कितना होगा, उसमें 6 ऐड करो 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब और 5 साल बाद उसका एज पूछा है, मतलब ये हो जाएगा 12 + 5 17 ईयर्स, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। देखो जब आपको कंपैरिजन दिया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जस्ट गो विद दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन गिवन, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। नाउ आई विल डिस्प्ले यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, किस तरह से वो सॉल्व होगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मीरा टीना एंड सानिया आर इन रेशियो 6:4:7 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 34 व्हाट इज सानियाज एज, ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे, जस्ट ट्राई विद इट, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। द एज ऑफ मीरा टीना एंड सानिया
यहाँ पे मीरा को एम से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, टीना को टी से, एंड एस को सानिया को एस से। सो कंसिडर करते हैं मीरा का एज 6x, टीना का 4x एंड सानिया का 7x, और तीनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू 34, ठीक है। लेकिन ये जो है 6, 4 और 7 का एडिशन करता हूँ तो ये 17x मिलता है मुझे, विच इज इक्वल टू 34। सो आपका जो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी वो तो मिलेगी 2, ठीक है ना। सो ये x इज इक्वल टू 2 जब आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। सानिया का एज मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पे, 7x दिख रहा है। सो मतलब 7 × 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे सानिया का एज मुझे मिल जाएगा 14 ईयर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन में सानिया का एज नहीं है 14 ईयर्स, सो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया है, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।